हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मॉल पर एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। पिछले क्लासेस में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्लास 11th का पार्ट 5 अपलोड किया था, तो हम लोग उसमें तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में हम लोग बात कर किए थे पिछले वीडियोज में। और ऐसे हम लोग क्वांटम नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक है। जो क्वांटम नंबर हम लोग पढ़े थे कि चार संख्याओं का आपको समूह होता है जो आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में सूचना प्रदान करता है, और क्वांटम नंबर पढ़े थे कि चार संख्याओं का समूह था आपको एन था, एल था, एम था और एस था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और बताया गया था आपको स्पिन क्वांटम नंबर। उसको आप लोग हिंदी में बोले थे, आप लोग बोले थे प्रधान क्वांटम संख्या, द्विगुणसी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। तो आप लोग को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता दिया गया था कि सेल के बारे में बताता है, और आपको जो मिथल क्वांटम नंबर बताया गया था कि आपको सबसेल के बारे में बताता है, और आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में हम लोग लगभग अध्ययन कर चुके थे कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको ऑर्बिटल के बारे में बताता है। तो सबसेल में ऑर्बिटल के बारे में जो क्वांटम नंबर बता रहा था उसी को आप लोग बोले थे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को ही आप लोगों ने, आप लोग कहा था दोस्तों कि एम से सूचित करते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एम एल से सूचित करते हैं, और उसके बारे में बताया गया था। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से संबंधित हम लोग कुछ बातें बच गई थी जो हम लोग थर्ड जो टाइप है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में यदि हम लोग बात करें यहाँ पे, तो इसको आप लोग बोल रहे थे ये रिप्रेजेंट किए थे एम से, या तो आप लोग एम एल से रिप्रेजेंट किए थे। इसका वर्ग क्या था, इसको आप क्या कहते थे, तो कहने का मतलब तो किसको कहा जाता था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो आपको हमने बताया था दोस्तों कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं या एम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, सूचित करते हैं, और यह है आप लोगों को सब सेल में, किसमें सब सेल में, किसमें सब सेल में ऑर्बिटल के बारे में बताता है, सब सेल में ऑर्बिटल के बारे में बताता है। उसी को आप लोगों ने बोला था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसके बारे में आप लोग पढ़े थे दोस्तों कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम से रिप्रेजेंट करते हैं या एम एल से, या सब सेल में ऑर्बिटल के बारे में बताता है। और इसका आप लोग वैल्यू देखे तो दोस्तों इसका वैल्यू आप लोगों को बताया गया था कि माइनस एल टू प्लस एल, माइनस एल टू प्लस एल। तो कहने का मतलब जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो डिपेंड कर रहा है एल पर, एल कहने का मतलब जिसको आपने बोला था एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो एल द्वारा एजीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एल अगर रह रहा है दोस्तों, तो एल के बारे में आप लोग पढ़े थे कि यदि एल बराबर जीरो हो, एल बराबर वन हो, एल बराबर टू हो, एल बराबर थ्री हो, एल बराबर फोर हो, डॉट डॉट हमने बहुत सारी बात किया था। तो यदि एल बराबर यदि वन बोल रहा है, तो एल बराबर वन कहने का हमारा अभिप्राय है, एल बराबर वन को आप लोग बोले थे ए सब सेल, क्या बोला था ए सब सेल। एल बराबर वन कहने का मतलब आपको यहाँ जीरो था दोस्तों, तो ए सब सेल बोला था, वन का मतलब बी सब सेल बोला था, और टू का मतलब डी सब सेल बोला था, और थ्री का मतलब एफ सब सेल, फोर का मतलब जी सब सेल। तो हमने आप लोगों को बताया था कि आपको यदि एल का वैल्यू जीरो होता है तो उसको ए सब सेल कहते हैं, और एल का वैल्यू वन होता है तो उसको पी सब सेल कहते हैं, और यदि एल का वैल्यू टू होता है तो उसको डी सब सेल कहते हैं, थ्री रहने पर एफ सब सेल। तो कहने का मतलब हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि ए सब सेल में जो ऑर्बिटल पाया जाता है उसी को एस ऑर्बिटल कहते हैं, तो ए सब सेल में जो ऑर्बिटल पाया जाता है उसको एस ऑर्बिटल कहते हैं, पी सब सेल में जो ऑर्बिटल पाया जाता है उसको पी ऑर्बिटल कहते हैं, तथा पी ऑर्बिटल तीन टाइप का था पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड। और हमने पढ़ा था कि एस सब सेल का शेप था स्फेरिकल, क्या था स्फेरिकल, और पी सब सेल का यदि बात किया जाए जो हमने शेप पढ़ा था दोस्तों पी के बारे में वो डंबल था, और डी के बारे में पढ़ा था कि डबल डंबल था, क्या था डबल डंबल। तो डी के बारे में आप लोगों को बताया गया था कि डबल डंबल था, तो डी के बारे में हम लोग पढ़े थे डबल डंबल, पी के बारे में पढ़ा था डंबल, और एस का शेप पढ़ा था दोस्तों हम लोग स्फेरिकल। तो यदि हम लोग बात करें तो एस के बारे में, पी के बारे में, डी के बारे में पढ़ चुके थे कि पी ऑर्बिटल तीन टाइप का था, डी ऑर्बिटल आपको पांच टाइप का था, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। यदि हम लोग बात करें यहाँ पे, अगर फोर्थ एग्जाम्पल की यदि हम लोग बात करें, तो यहाँ पे हमने लिखा यदि कि एल का वैल्यू हम लोग का
थ्री हो, एल का वैल्यू यदि थ्री हो तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं, एफ सब सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफ सब सेल। समझिएगा आप लोग, यदि आप लोग को बोला गया था कि एल का वैल्यू थ्री होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एफ सब सेल कहा जाता है। एल का वैल्यू थ्री रहने पर उसको आप लोग बोलते हैं एफ सब सेल। अब यदि एम का वैल्यू निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का, तो क्या बताया था, माइनस एल टू प्लस एल, माइनस एल टू प्लस एल। तो यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं एम बार का जो वैल्यू होगा दोस्तों, एल का वैल्यू थ्री रखना है तो यहाँ पे हमने रखा थ्री, तो हो जाएगा टू प्लस, यहाँ एल का वैल्यू कितना रखेगा, थ्री। तो आप लोग नंबर लाइन आप लोग देखते होंगे, जो लाइन होता है हम लोग का जीरो होता है, माइनस वन होता है, माइनस टू होता है, माइनस थ्री होता है, प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइनस थ्री से लेकर के प्लस थ्री तक, माइनस थ्री से लेकर के प्लस थ्री तक आपको कितना वैल्यू मिल रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छ सात, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री। और इसमें आप लोग को जो वैल्यू आप लोग लिख सकते हैं कि माइनस थ्री से प्लस थ्री तक कौन कौन वैल्यू मिलेगा, माइनस थ्री से लेकर के प्लस थ्री तक कौन कौन वैल्यू मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री। तो कितना वैल्यू मिला, एक दो तीन चार पाँच छ सात। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे एम का सात वैल्यू मिला। यदि आपने एन बराबर थ्री रखा तो एफ सब सेल का, तो एफ सब सेल में एम का कितना वैल्यू मिला, सात वैल्यू। एफ सब सेल में एम का कितना वैल्यू, सात वैल्यू। तो और आपको बताया गया था कि जितना एम का वैल्यू होता है उतना ही ऑर्बिटल आप लोग को पाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ एम का वैल्यू कितना है, सात है। तो एफ सब सेल में जो ऑर्बिटल उपस्थित होगा, तो यहाँ पे हम लोग लाइन लिख सकते हैं कि एफ सब सेल में, एफ सब सेल में उपस्थित ऑर्बिटल को, एफ सब सेल में उपस्थित ऑर्बिटल को, उपस्थित ऑर्बिटल को, एफ सब सेल में उपस्थित ऑर्बिटल को एफ ऑर्बिटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एफ ऑर्बिटल कहा जाता है। दूसरी बात हमने आपको बताया कि एफ सब सेल में हमने बोला कि एल का वैल्यू थ्री है, एफ सब सेल के लिए एल का वैल्यू थ्री, तो एम का कितना वैल्यू आया, सात वैल्यू आया। इसीलिए बोलेंगे कि एफ ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल कितना टाइप का होगा, सेवन टाइप के होंगे, सेवन प्रकार का होगा। तो आपका जो एफ ऑर्बिटल होगा सात प्रकार का होगा, क्योंकि एफ सब सेल के लिए, एफ सब सेल के लिए एम का कितना वैल्यू, सात वैल्यू, एम का कितना वैल्यू, सात वैल्यू। इसीलिए एफ ऑर्बिटल कितना टाइप के, सात प्रकार के होगा। तो एफ सब सेल में जो ऑर्बिटल पाया जाता है उसको आप लोग बोलते हैं, एफ सब सेल में जो ऑर्बिटल पाया जाता है उसको आप लोग बोलते हैं एफ ऑर्बिटल। और एफ ऑर्बिटल आपको जब बोला गया कि एफ सब सेल में जो ऑर्बिटल पाया जाता है उसको आप लोग बोला एफ ऑर्बिटल, तो एफ ऑर्बिटल में आप लोग देख सकते हैं कि एम का वैल्यू कितना आया, सात वैल्यू आया, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, आपको जीरो, प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री आया। तो ये इसीलिए बोला गया कि एफ ऑर्बिटल सात प्रकार के हो जाएगा। तो एफ सब सेल में जो जो ऑर्बिटल पाया जाएगा उसको आप लोग बोलिएगा एफ ऑर्बिटल। तो एफ ऑर्बिटल यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सात बॉक्स बनेगा दोस्तों, एक दो तीन चार पाँच छ, यहाँ हमने एक दो तीन चार पाँच छ सात, यहाँ पे हो जाएगा माइनस थ्री, माइनस टू, और यहाँ बोलिएगा माइनस वन, जीरो, प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री। तो कहने का अभिप्राय है कि यही आपका हो जाएगा एफ ऑर्बिटल। क्या हो जाएगा, एफ ऑर्बिटल। तो आपको एफ ऑर्बिटल कितने टाइप का हो गया, सात टाइप का हो गया। जैसे डी ऑर्बिटल आप लोग पढ़े थे, डी ऑर्बिटल आप लोग पढ़े थे कि डी ऑर्बिटल आपको पांच प्रकार का था, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो डी ऑर्बिटल आप लोगों को पांच टाइप का था, तो डी ऑर्बिटल में आप लोगों ने पांच बॉक्स बनाया था। पी ऑर्बिटल आपको तीन टाइप का था, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो पी ऑर्बिटल जब तीन टाइप का था तो पी में हम लोग तीन बॉक्स बनाए थे, कितना बॉक्स, तीन बॉक्स। एस ऑर्बिटल आप लोग पढ़े थे कि उसका जो कहने का मतलब, एस आपको सिंगल था, उसका कोई टाइप नहीं था, तो इसीलिए उस एस के लिए आप लोग एक रिप्रेजेंटेशन किए थे। यहाँ पे आप लोग को अगर पूछा जाए कि एफ ऑर्बिटल कितने टाइप के, तो सात टाइप के। और एफ ऑर्बिटल का यदि आपसे शेप पूछा जाए, तो शेप इसका जो हम लोग बात करें दोस्तों, इसका आकार पूछा जाता है तो बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड, एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड। तो एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड कहने का मतलब अत्यंत जटिल होता है, अत्यंत क्या बोल सकते हैं, जटिल।
तो आपको एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड बहुत जटिल होता है इसका शेप, ऐसे लीफ लाइक भी बोला जाता है इसका शेप, कहीं कहीं आपको लीफ लाइक भी आपको मतलब पत्ती के समान दिखता है। तो यहाँ पे ऐसे जनरली अगर बात करें इसका शेप ए फॉर बीटल का, तो एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड जिसको हम लोग ड्रा नहीं कर सकते हैं, थोड़ी तो बोर्ड पे हम लोग ड्रा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको ऐसे ही याद रखें कि ए फॉर बीटल 7 टाइप का हो जाएगा। तो ए सब सेल में जो ऑर्बिटल पाया जाएगा उसको बोलेंगे ए फॉर बीटल, और ए फॉर बीटल कितने टाइप के, 7 टाइप्स के हो जाएंगे। तो आप लोग को अब तक ऑर्बिटल के बारे में जानकारी मिल चुकी होगी कि कौन ऑर्बिटल किस में होगा किस में नहीं होगा। तो हमने आपको अभी अब तक जो बताया दोस्तों, अगर बात किया जाए तो आप लोग को बताया गया यहाँ पे हमने कि एस सब सेल में जो आपको कहता है कि एस सब सेल में जो ऑर्बिटल पाया जाता है उसको आप लोग बोलते हैं एस ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? एस ऑर्बिटल। देखिएगा, एस सब सेल में जो ऑर्बिटल पाया जाता है उसको बोलते हैं एस ऑर्बिटल। और आपको बोला गया था कि जो हमारा एस ऑर्बिटल होता है, तो एस ऑर्बिटल के लिए आपने एक बॉक्स बनाया था। उसके बाद आप लोग दूसरा पढ़े थे पी सब सेल में, कौन सब सेल में? पी सब सेल में जो ऑर्बिटल पाया जाता है उसको आप लोग बोलते हैं पी ऑर्बिटल। और पी ऑर्बिटल आप लोग का 3 टाइप का था। कितना टाइप का? 3 टाइप का। तो 3 प्रकार का था। तो इसमें आप लोग क्या किए थे? 3 बॉक्स बनाए थे, पी एक्स पी वाई पी जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो पी एक्स पी वाई पी जेड हुआ था, -1 0 और +1 हुआ था। यदि आप लोग डी सब सेल की बात किए थे, डी सब सेल, तो डी सब सेल में आप लोग देखे थे कि डी सब सेल में जो ऑर्बिटल उपस्थित था उसी को आपने बोला था डी ऑर्बिटल। क्या बोला था? डी ऑर्बिटल। और जब डी ऑर्बिटल आपने बोला तो पढ़ा था कि डी ऑर्बिटल आपको 5 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? 5 प्रकार का होता है। अब कौन कौन होता है? तो आपको पढ़ाया गया था कि डी ऑर्बिटल 5 प्रकार का होता है दोस्तों। एक आपने बोला था डी एक्स बाई डी बाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, और एक बोले थे डी जेड स्क्वायर। वैल्यू आप लोग लिखे थे -2 -1 0 +1 +2। तो इस आधार पे आप लोग लिखे थे। और अभी हम लोग पढ़े थे कि एफ सब सेल में जो ऑर्बिटल पाया जाता है उसको बोलते हैं एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल कितना टाइप का होगा? 7 टाइप का होगा। तो इस आधार से आपको एस सब सेल में जो ऑर्बिटल पाया जाता है उसको एस ऑर्बिटल कहते हैं। एस ऑर्बिटल के लिए आपको एक बॉक्स बनाना है, पी ऑर्बिटल के लिए आपको 3 बॉक्स बनाना है, और डी ऑर्बिटल के लिए हम लोग क्या 5 बॉक्स बनाएंगे, और एफ के लिए हम लोग 7 बॉक्स बनाएंगे। तो इस आधार पे आप लोग ऑर्बिटल का कहने का मतलब टाइप पढ़ लिए, ऑर्बिटल का शेप पढ़ लिए, कौन ऑर्बिटल किस प्रकार का होता है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है आपको ऑर्बिटल के बारे में ही जानकारी प्रदान करता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको ऑर्बिटल के बारे में ही आपको जानकारी प्रदान करता है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ से छोटा सा टर्म समझेंगे कि अगर मान लिया जाए कि आपसे पूछा जाए कि कोई अगर सेल दे दिया, इतना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से संबंधित हम लोग बातें कर चुके हैं, आपको एजिमिथल क्वांटम नंबर भी बता दिया गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बता दिया गया। तो हम लोग यदि बात करें इसमें, तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, यदि आपसे पूछा जाए कि कोई आपको सेल दे दिया जाए, कहने का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बताया गया था कि एन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग एन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, एन के द्वारा सूचित करते हैं। आप लोग देखिए, वीडियो को देखते रहिएगा, धीरे धीरे आपको स्पष्ट होना लगेगा। वीडियो कंप्लीट देखिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। हमने आपको बोला था, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा कि आपको यदि बोला जाए कि थर्ड सेल में कितने ऑर्बिटल पाया जाता है। क्वेश्चन लिखा छोटा सा, थर्ड सेल में कितने ऑर्बिटल पाया जाता है। तो थर्ड सेल में कितने ऑर्बिटल पाया जाता है, तो आप लोगों को यह बताया गया था कि जो आपको सेल के बारे में जानकारी प्रदान करता है, इसका यदि आप लोग सॉल्यूशन देखिएगा दोस्तों, तो आप लोग समझिएगा बढ़िया से, जो और आपको क्वांटम नंबर सेल के बारे में बताता है, तो जो क्वांटम नंबर आपको सेल के बारे में बताता है उसी को आप लोग बोले थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोले थे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको आपने रिप्रेजेंट किया था एन द्वारा। किसके द्वारा? एन द्वारा। यहाँ बोल क्या रहा है? थर्ड सेल, तो कहने का मतलब एन बराबर 3 है। थर्ड सेल कहने का मतलब एन बराबर क्या है? 3 है। अच्छा, एन बराबर 3 है तो आपसे अगर पूछा जाए कि एल का वैल्यू क्या क्या होगा, एन बराबर यदि 3 है तो एल का वैल्यू क्या क्या होगा, तो आपको बोला था कि एल का वैल्यू निकालते हैं 0 to n-1, 0 to n-1। तो जो हम लोग एल का वैल्यू निकालते हैं 0 to n-1,
तो यहाँ पे हमने लिखा है कि एन का वैल्यू अगर 3 है तो एल का वैल्यू निकालना रहेगा, तो एक कम कर देंगे, एक क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 0, 1 और 2, 0, 1 और क्या 2 लिखा। आप लोग को यही पता होगा कि यदि एल का वैल्यू 0 होता है, एल का वैल्यू क्या होता है 0, तो उसको आप लोग बोलते हैं एस सब सेल, क्या बोलते हैं एस सब सेल। और यदि एल का वैल्यू 1 होता है तो उसको आप लोग बोलते हैं पी सब सेल, और एल का वैल्यू यदि 2 होता है तो उसको बोलते हैं डी सब सेल, क्या होता है डी सब सेल। सुनिएगा, हमने बोला थर्ड सेल, तो थर्ड सेल कहने का मतलब सेल के बारे में जो बताता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन द्वारा। तो एन का वैल्यू 3 हुआ तो एल का वैल्यू क्या होता है, एल का वैल्यू कैसे निकालता है, एक कम करके। अगर एन का वैल्यू 3 है तो एल का वैल्यू हो जाएगा, एक कम कीजिएगा 3 में से एक जाएगा तो कितना 2 बचेगा, तो 0, 1, 2 हो जाएगा। यदि एल का वैल्यू 0 तो एस सब सेल बोलते हैं, और एल का वैल्यू 1 तो पी बोलते हैं, एल का वैल्यू 2 तो डी बोलते हैं। आप लोग यह बताइएगा कि एस सब सेल में कितना ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल। एस सब सेल में कितना ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल होता है। अभी आप लोग पढ़े थे, आप सब पूछा गया था कि पी सब सेल में, पी सब सेल में बोलिएगा, पी सब सेल में कितना ऑर्बिटल होता है, 3 ऑर्बिटल। कितना ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। तो पी सब सेल में कितना ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। और डी सब सेल में अभी आप लोग पढ़े थे कि 5 ऑर्बिटल होता है, कितना 5। तो जोड़ लीजिए, ये आपको ऑर्बिटल हो गया दोस्तों, यह आपको क्या हो गया ऑर्बिटल, 1, 3, 4, 4, 5, 9। तो कहने का मतलब हम लोग को थर्ड सेल में टोटल कितना ऑर्बिटल हो जाएगा, 9 ऑर्बिटल। उसी प्रकार से हमने एक क्वेश्चन आपके सामने और लिखा, किसी ने आपको कहा कि फोर्थ सेल में कितना ऑर्बिटल पाया जाता है, कितना ऑर्बिटल पाया जाता है, तो फोर्थ सेल में कितना ऑर्बिटल पाया जाता है, तो इसको आप लोग आसानी पूर्वक सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो यह बताइएगा कि सेल के बारे में जो बताता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से सूचित करते हैं। एन केमा कह रहा है, चौथा कह रहा है, तो एन का वैल्यू क्या हो गया 4। और जब एन का वैल्यू 4 हो गया था, एल का वैल्यू आपको पता है, एल का वैल्यू कैसे निकालते हैं, एन में से कम कर देंगे, तो एन में से कम कर देंगे तो ही हो जाएगा आपका एल का वैल्यू। एन से यदि हम लोग एक कम करेंगे तो वही हमारा हो जाएगा एल का वैल्यू। तो एन से हम लोग एक कम करेंगे तो आप लोग को हो जाएगा एल का वैल्यू, तो 4 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 3। तो कहाँ से लेना है 0, 2n-1, तो 0, 1, 2, 3। अब यह बताइएगा कि यदि एल का वैल्यू 0, एल का वैल्यू 0 तो बोलेंगे ए सब सेल, एल का वैल्यू 1 तो बोलेंगे पी सब सेल, एल का वैल्यू 2 तो बोलेंगे डी सब सेल, एल का वैल्यू 3 तो बोलेंगे एफ सब सेल। ये तो आपको सब सेल हो गया। यदि आपको ऑर्बिटल पूछे तो एस सब सेल में कितना ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल। पी सब सेल में कितना ऑर्बिटल, तो पढ़े थे आप लोग कि पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल होता है। डी सब सेल में कितना ऑर्बिटल, तो 5 ऑर्बिटल। एफ सब सेल में कितना, तो 7 ऑर्बिटल। आप जोड़ सकते हैं आप लोग यहाँ पे ऑर्बिटल की संख्या, तो ऑर्बिटल आप जोड़ सकते हैं 1, 3, 4, 4, 5, 9, 7, 16। तो कहने का मतलब 16 ऑर्बिटल मिल गया। तो आप लोग को यहाँ थर्ड सेल में 9 ऑर्बिटल मिला, फोर्थ सेल में 16 ऑर्बिटल मिला। आप देख क्या रहे हैं कि एन बराबर 3 था तो 9 आया, एन बराबर 4 था तो कितना आया 16। तो आप लोग यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं, फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं कि किसी यदि सेल में पूछा जाए किसी सेल में कितना ऑर्बिटल पाया जाएगा, तो अगर एन बराबर 3 था तो 9 आया, यदि एन बराबर 4 था तो 16 आया। कैसे आया, 3 का स्क्वायर किए तो 9 आया, यदि 4 का स्क्वायर किए तो 16 आएगा। तो आप जनरलाइज कर सकते हैं कि एन का यदि स्क्वायर कर दें तो उसमें हम लोग को ऑर्बिटल की संख्या मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला डायरेक्ट डिराइव कर सकते हैं कि आपसे अगर पूछा जाए कि किसी सेल में ऑर्बिटल की संख्या, किसी सेल में ऑर्बिटल की संख्या, तो यहाँ से हम लोग नोट में एक फॉर्मूला लिख सकते हैं दोस्तों कि आपसे पूछा जाए किसी सेल में ऑर्बिटल की संख्या, तो किसी सेल में यदि ऑर्बिटल की संख्या पूछे तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट एन स्क्वायर। जैसे आपने लिखा कि n बराबर 3 तो 9 ऑर्बिटल, n बराबर 4 तो 16 ऑर्बिटल। यदि आपसे पूछा जाए कि सेकेंड सेल में तो n बराबर 2 में कितना ऑर्बिटल पाया जाएगा, तो n बराबर 2 में क्या इतना पाया जाएगा, n बराबर 2 है तो 2 के स्क्वायर कर देंगे, 2 के क्या कर देंगे स्क्वायर, तो आप वो बोल सकते हैं 4 ऑर्बिटल पाया जाएगा। तो आप लोग ऐसा देख सकते हैं, अगर पूछा जाए कि n बराबर 2 है तो बता दीजिए कितना ऑर्बिटल, डायरेक्ट अगर पूछा जाए कि n बराबर 2 में कितना ऑर्बिटल, तो इसको स्क्वायर कर देना है, कितना हो जाएगा 4। नहीं तो आप डिराइव कर सकते हैं कि l का वैल्यू क्या होगा, एक कम होगा, l का वैल्यू जो होगा एक इससे कम होगा। तो कम होने का मतलब यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं
एल का वैल्यू एक कम दो में से एक जाएगा तो कितना, एक जीरो और एक हो जाएगा। एल बराबर वन तो बोलते हैं, सॉरी एल बराबर जीरो तो एस बोलते हैं, एल बराबर वन तो क्या बोलते हैं पी बोलते हैं, और एस सब सेल में एक ऑर्बिटल, पी सब सेल में तीन ऑर्बिटल, तो तीन है कितना चार। तो आपको यह फॉर्मूला भी मिल गया और आपको ऐसे भी निकाल सकते हैं, किसी आधार पे आप निकाल सकते हैं। और एक आप लोग ऐसे भी पढ़े होंगे दोस्तों एक फॉर्मूला और, कि किसी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो किसी सेल में यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछता है तो पढ़े थे 2n², और यदि ऑर्बिटल की संख्या पूछता है तो n². तो इस आधार पे आप लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में बता सकते हैं। एक हम लोग को और बचा हुआ है जिसको आप लोग बोलते हैं चौथा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बाद हम लोग को लास्ट एक है दोस्तों छोटा सा है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो आप लोग का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का कंसेप्ट आपको ध्यान में आना चाहिए। तो हम लोग एक स्पिन क्वांटम नंबर, 2 मिनट का हम लोग का टॉपिक है, हम लोग को आसानी पूर्वक हो जाएगा। तो फोर्थ हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, तो चौथा क्वांटम नंबर आपका है जिसको आप लोग बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। क्या बोलेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर। तो जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा दोस्तों इसको आप लोग बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। तो चक्रण क्वांटम संख्या आपको बोला गया, तो पहले तो आप लोग यह हमको बता दीजिए कि जो हम लोग का जो चक्रण क्वांटम संख्या है दोस्तों, तो यह क्या है, इसका पहले रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखेंगे। इसको कहता है कि एस द्वारा, किसके द्वारा, एस द्वारा इसको हम लोग सूचित करते हैं, किसको, स्पिन क्वांटम नंबर को। और कहता है दोस्तों कि यह जो हमारा है चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताता है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताता है, स्पिन को बताता है। तो जो क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताता है उसी को बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, दैट इज चक्रण क्वांटम संख्या। अब देखिए यहाँ पे स्पिन का मतलब दोस्तों, यदि देखें तो स्पिन का यहाँ पे मतलब आपको है क्लॉकवाइज, क्या बोला हमने क्लॉकवाइज, और एक हमने बोला एंटी क्लॉकवाइज। स्पिन का यहाँ मतलब हो गया, एक हो गया आपको क्लॉकवाइज, क्या बोला हमने क्लॉकवाइज, और दूसरा हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो एक हो जा बोल सकते हैं कि जो हमारा स्पिन होगा इलेक्ट्रॉन का या तो क्लॉकवाइज होगा, तो क्लॉकवाइज आप लोग बोल सकते हैं। यह हमारा हो जाएगा यदि इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसको बोले कि हमारा क्लॉकवाइज है, क्या है क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे यदि इलेक्ट्रॉन यदि क्लॉकवाइज अगर रोटेट करता है तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं कि एस का वैल्यू लिखा जाता है प्लस हाफ। ऐसे आप इन भाषा में किसी को भी आप लोग सपोज कर सकते हैं प्लस हाफ या माइनस हाफ। तो एस का वैल्यू हम लोग को देखेंगे यदि इलेक्ट्रॉन हमारा क्लॉकवाइज है, क्या है क्लॉकवाइज, और यदि इलेक्ट्रॉन हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, यदि इलेक्ट्रॉन हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, क्या है एंटी क्लॉकवाइज यदि रोटेट कर रहा है, तो इसके लिए एस का वैल्यू हम लोग लिखते हैं माइनस हाफ। क्या लिखते हैं माइनस हाफ। तो यदि हम लोग बोल सकते हैं कि क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए बोलेंगे प्लस हाफ, यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो उसके लिए बोलेंगे माइनस हाफ। तो यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं रखना है, यहाँ पे आपको यही रखना है कि इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं और यह इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताता है। स्पिन बोला जाए तो क्लॉकवाइज, तो घड़ी के दिशा में होगा तो क्लॉकवाइज, या घड़ी के विपरीत दिशा में होगा तो उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, और यदि क्लॉकवाइज होगा स्पिन तो उसको बोलेंगे प्लस हाफ होगा, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इसके लिए वैल्यू आपका माइनस हाफ होगा। तो इस तरह से आप लोग को बोला जाए दोस्तों, तो हम लोग क्वांटम नंबर का बोला जाए डिफिनेशन वगैरह, इसका टाइप वगैरह लगभग हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियोज में करेंगे दोस्तों, तब तक आप लोग इसको देखते रहिए। और ऐसे हम लोग हमारा प्रयास है कि हम लोग यह जो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो पढ़ रहे हैं, हम लोग कुछ और अलग जो हम लोग केमिस्ट्री का जैसे बात किया जाए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कुछ हम लोग सेक्शन अवश्य अपलोड करते रहेंगे। नोमेनक्लेचर का भी अपलोड किया जाएगा वीडियो, हम लोग हो सकता है नोमेनक्लेचर का वीडियो अपलोड करेंगे। और यदि आपको कुछ फिजिकल क्वांट केमिस्ट्री आपको बोला जाए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहिए, धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।